हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल स्पेशल पे। आज की वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स का एक टॉपिक है, बिहार विधानसभा का चुनाव जो हुआ उसका रिजल्ट, फाइनल जो रिजल्ट आया है तो उसे देखिए कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे बिहार से संबंधित, क्योंकि इससे प्रश्न रहने का एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि ये जो है मतलब कि कौन पार्टी जीता, कौन सा गठबंधन जीता, कितना वोट परसेंटेज रहा, सबसे कम वोट के मार्जिन से कौन कैंडिडेट जीता, सबसे अधिक वोट के मार्जिन से कौन सा कैंडिडेट जीता, तो ये सबसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चंस रहते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 17th जो बिहार विधानसभा का इलेक्शन हुआ 2020 में 17वां ये था, और इसके पहले 16 विधानसभा के चुनाव हो चुके थे, तो उस पर हम लोग डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि अगर आप चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो देखिए 17th बिहार विधानसभा का इलेक्शन जो है हुआ 2020 में, और इसमें तीन फेजेज में, तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि नंबर ऑफ फेजेज ऑफ इलेक्शन, तो तीन फेज में इलेक्शन हुआ। फर्स्ट फेज में इलेक्शन जो है 28 अक्टूबर को हुआ था और इसमें 71 सीट्स थे, और खास करके जो अंग का प्रदेश है, मगध का क्षेत्र है, भोजपुर का प्रदेश है, उस प्रदेश में ये इलेक्शन हुआ था। फिर सेकेंड फेज में 3 नवंबर को हुआ 94 सीट्स के लिए 3 नवंबर को वोट डालेगा, और 7 नवंबर को 78 सीट्स के लिए वोट डालेगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर तीन अलग अलग चरण में स्टेज में इलेक्शन हुए, और इसका फाइनल जो रिजल्ट था वो 10 नवंबर को आया। ये सब डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन रहता है। 10 नवंबर को फाइनल जो है, फाइनल रिजल्ट 10 नवंबर को आया, 10th नवंबर को। तो इस तरह से अब जैसे जो फाइनल रिजल्ट आया उसमें आप देखिएगा कि बिहार में जो है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए को बोलते हैं राजग, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, तो इसको कुल देखिएगा 122 जो है 25 सीटें हैं, मतलब ये टोटल सीट्स देखिएगा तो 243 सीट्स हो गए। तो 243 सीट्स में मेजोरिटी का मतलब होता है 50% + 1, तो बराबर होगा 122। 122 क्या है, तो मेजोरिटी है, बहुमत है, बहुमत का आंकड़ा है। तो बहुमत जो है एनडीए के पक्ष में रहा, 125 जो है सीटें एनडीए के द्वारा जीता गया। अब इसमें अलग अलग दल है, जैसे सुने होंगे बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जो है इसमें सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी है एनडीए में। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, पिछले भी विधानसभा के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी थी, इस विधानसभा में भी सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है। तो बीजेपी का जो है 74 सीट्स जो है इस इलेक्शन में उन्होंने प्राप्त किया, और 19.46 जो है वोट परसेंटेज रहा। फिर दूसरी जो है गठबंधन की पार्टी है जेडीयू, जिसको 43 सीट्स जो है प्राप्त हुए, जबकि उसका पिछले इलेक्शन में 71 सीट्स था, और उसके वोट परसेंटेज जो है 15.4% रहा। और वीआईपी पार्टी सुने होंगे तो इसको 4 सीट्स प्राप्त हुए, और हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 4 सीट प्राप्त हुआ। तो टोटल जो है आप देखिएगा तो 125 सीटें प्राप्त हुई, और टोटल वोट परसेंटेज जो है रहा 37%, जो कि पिछले एनडीए को जो वोट मिला था उससे बहुत कम है, मतलब पिछला जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था उससे 12% एनडीए का वोट परसेंट गिरा, उसके बावजूद सत्ता में वापसी हो गई है। अब जो ग्रेटर अलायंस है, जिसको बोलते हैं महागठबंधन, तो महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी, तो आरजेडी को सीट्स मिले हैं, तो महागठबंधन को देखिए 110 सीट्स प्राप्त हुए हैं, और फिर बाकी जो है अदर्स को देखिएगा तो 8 सीटें प्राप्त हुई है अदर्स को। तो इस तरह से ग्रेटर अलायंस जो है महागठबंधन को, उसमें सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी और उसके सीट से 75, और बिहार में देखिएगा कि सभी पार्टियों में सबसे बड़ी पार्टी है
आरजेडी, और उसको सबसे अधिक वोट परसेंट भी प्राप्त हुआ 23.8%। तो देखिए सब गठबंधन का अलायंस का कमाल है कि जो पार्टी 74 सीट ला रही है उसको है 19.46 और जो पार्टी 75 सीट ला रही है उसको वोट परसेंट है 23.08%। फिर उसके बाद कांग्रेस है, तो कांग्रेस को 19 सीट्स प्राप्त हुई है और इसका वोट परसेंट रहा लगभग 9.49%। और फिर सीपीआईएमएल, सुने होंगे सीपीआईएमएल जो है कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट लेनिनवादी बोलते हैं उसको सीपीआईएमएल, तो इसको 12 सीटें प्राप्त हुई और वोट परसेंट रहा 3.16%। और सीपीआई और सीपीएम, सीपीआई सीपीएम जो लेफ्ट फ्रंट ये सबको मिला के बोलते हैं, तो देखिएगा उसको 4 सीटें प्राप्त हुई हैं और इसका वोट रहा है 1.45%। तो इस तरह से इनको टोटल अगर आप ऐड कीजिएगा तो 110 मतलब महागठबंधन को, ग्रेटर अलायंस को 110 सीटें प्राप्त हुई है और वोट परसेंट लगभग 37% ही रहा है। तो 37% वोट रहा है दोनों का, लेकिन सीटें 125 है। यही सब जो है लोकतंत्र का गणना कैलकुलेशन सेफोलॉजी जो है समझने की बात है, क्योंकि इसमें देखिएगा कि जो जीतने वाले जो कैंडिडेट है, देखिएगा इसी में सबसे लोएस्ट हिलसा से देखिएगा 12 वोट से जेडीयू का प्रत्याशी जीता 12 वोट से, और सबसे हाईएस्ट वोट मार्जिन से जीता बलरामपुर में महबूब आलम सीपीआईएमएल का, जिनको 53,000 वोट से वो विजयी हुए। तो देखिए ये जो अंतर हो जाता है उसी के वजह से कम वोट से जीतने वाले जो है वो ज्यादा सीट प्राप्त कर लेते हैं और ज्यादा वोट से जीतने वाले कम सीट प्राप्त करते हैं। इसका एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है, ये इस तरह का एक्सप्लेनेशन हो सकता है। आपको समझ में आएगा कि 37% जो है वोट एनडीए को भी है, महागठबंधन को भी 37% वोट है, लेकिन अब सीटें जो है इसको अधिक है और इसको सीटें कम है, ये समझ के परे है। इसीलिए देखिएगा इलेक्शन में धांधली का आरोप जो है लगाया जाता है कि 12 वोट से जो है अगर जीतेगा तो वो मतलब उसका वोट जो है कम है लेकिन सीटें ज्यादा है, और जब ज्यादा वोट से जीतेगा तो आपकी वोट तो ज्यादा मिलेंगे लेकिन सीटें कम हो सकती हैं, इस तरह का एक्सप्लेनेशन हो सकता है। तो इस तरह से महागठबंधन को टोटल 110 सीटें प्राप्त हुई, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल ये सब था। और फिर उसके बाद अदर्स, अदर्स में देखिएगा जो ओवैसी की पार्टी है एआईएमआईएम, उसको 5 सीटें प्राप्त हुई और वोट का परसेंटेज रहा 1.24%। फिर उसी तरह से बीएसपी को देखेगा, 1 सीट प्राप्त हुई और उसके वोट का परसेंट रहा 1.5%। देख लीजिए यहाँ कमाल, मतलब कि सीट एमआईएम को 5 है लेकिन उसको वोट कम है बीएसपी से, बीएसपी का 1.5% सीट है एक। फिर उसी तरह से एलजेपी को जो है देखिएगा उसको 1 सीट मिला है और वोट है 7%। तो इस तरह से इंडिपेंडेंट को भी 1 सीट मिला है। तो इस तरह से अदर्स के द्वारा जो है एलजेपी जो है एक पार्टी के रूप में लड़ रही थी लेकिन उसको 1 ही सीट प्राप्त हुआ, लेकिन चूंकि वो ज्यादा सीटों पे लड़ रही थी इसलिए उसको लगभग 7% के आसपास वोट मिला है। तो इस तरह से ये सब एक्सप्लेनेशन है, ये सबसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। सबसे लोएस्ट वोट का डिफरेंस रहा है हिलसा, नालंदा क्षेत्र में हिलसा एक विधानसभा क्षेत्र है जिसमें 12 वोट से जेडीयू का प्रत्याशी प्रेम मुखिया जो है आरजेडी के प्रत्याशी शक्ति सिंह यादव को पराजित किया, और हाईएस्ट वोट मार्जिन रहा बलरामपुर में जिसमें 53,597 वोट से विजय प्राप्त किया महबूब आलम जो सीपीआईएमएल के हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर के आप देखिएगा ये फाइनल रिजल्ट्स है, फाइनल टैली है बिहार में जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ। आप जानते हैं कि इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन कराता है, तो कोरोना काल में ये इलेक्शन हुआ और वोट का परसेंटेज देखिएगा कि टोटल वोटिंग जो है लगभग वोटिंग परसेंटेज देखिएगा तो वोटिंग परसेंटेज जो है अगर आप देखिएगा तो वोटिंग परसेंटेज जो है 57% के आसपास जो है टोटल वोट गिरा है, 57.08% जो है वोटिंग हुआ है टोटल, जो कि पिछले साल से थोड़ा सा अधिक ही है। तो कोरोना काल में जो है
ये अच्छा वोटिंग परसेंटेज जब माना जा सकता है। और इसी तरह से मैंने अमेरिका के इलेक्शन पे भी एक वीडियो बनाया है कि अमेरिका में इलेक्शन कैसे होते हैं और फिर वहां का जो रिजल्ट रहा उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है, तो उसको भी देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये सब जो है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम से इंडियन पॉलिटी वाले सेक्शन में देखिएगा इससे क्वेश्चन रहता है। जैसे कुल जो है सीटों की संख्या बिहार में 243 है और उसी के लिए तीन चरण में चुनाव हुए और उसमें बहुमत के लिए 122 चाहिए और जो एनडीए गठबंधन है उसको 125 सीटें प्राप्त हुई। तो अब जो है देखिएगा कि अब तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार।